सर्द रातों में रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते लोगों के लिए नगर परिषद ने एक शानदार व्यवस्था की है। रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में एक अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां के लोग अपनी रातें गुजार सकते हैं। यहां रहने के लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यदि कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आता है, या फिर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने आता है, या किसी भी कारण से कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर होता है, तो नगर परिषद उसको निशुल्क यहाँ पे रहने सोने की व्यवस्था करती है। सर कहाँ से है? गया। गया से जी। क्या एग्जाम वगैरह देने? जी। किस एग्जाम का? बिहार SSC का कल है। अच्छा, कल है जी। तो यहाँ कैसे जानकारी हुई आपको कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर आए तो देखे कहीं रूम थोड़ा सा बहुत ज्यादा रेट में दे रहा था उस साइड में, तो थोड़ा सा इधर ऐसी टहलते उधर आए तो देखे कि मतलब बोर्ड बाहर देखे, तो फिर बताया गया कि जो उधर था तो पूरा जो जेंट्स था वो फुल था, इधर लेडीज के लिए था, लेकिन यहाँ लेडीज अभी नहीं रहने की वजह से हम लोग को बोले कि मतलब अभी एडजस्ट हो जाइए, अगर उन लोग आएंगे तो फिर अगर तो फिर कुछ उसमें देखा जाएगा, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनुज कुमार है। क्या है सर? पटना से। अच्छा, क्या प्रयोजन था यहाँ बक्सर में आने का? मेरा कल एग्जाम है। अच्छा अच्छा, SSC का रूम यहाँ देखने गए तो रूम कहीं दिखा नहीं, और इसीलिए यहाँ पर देखे कि व्यवस्था है तो यहाँ आए, तो यहाँ कोई शुल्क वगैरह भी लिया गया आपसे? नहीं, शुल्क नहीं लिया गया। व्यवस्था हम लोग बात किए तो व्यवस्था हम लोग अच्छा से मिला। आपका नाम? मेरा नाम वो धर्मेश कुमार। सर बलिया से आए हैं। तो यहाँ कल जाना है? हाँ जाना है, वो बॉम्बे जाना है। ट्रेन वगैरह नहीं मिली अभी? अभी नहीं, 2 बजे है। यहाँ रहने की व्यवस्था ठीक ठाक है? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या क्या मिला सर यहाँ आपको? यहाँ पे ओढ़ना बिछाना खटिया सब है बढ़िया, तकिया उकिया कोई दिक्कत नहीं है। कोई चार्ज वगैरह भी लिया गया? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। व्यवस्था बढ़िया किया गया? एकदम बढ़िया है। नाम सर आपका? हरेंद्र कुमार राय। यहाँ के जो प्रबंधक है उन्होंने बताया कि यात्रियों के लिए कंबल बेडशीट तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि वो आराम से अपनी रात यहाँ गुजार सके। जो यात्री आए उनके लिए खाटी तोशक तक या फोल्डिंग वोल्डिंग जो ये है बेडशीट वेडशीट कंबल के लिए व्यवस्था है ठंड से बचने के लिए, और जो यहाँ पर आ रहा है उनको हम लोग मैनेज करके यहाँ पर रख ले रहे हैं, कोई असुविधा नहीं है। अगर असुविधा होगा तो पूछ लीजिए इन लोगों से। अच्छा, महिला पुरुष के लिए भी व्यवस्था है? अलग? हाँ, अलग अलग दोनों लोग का व्यवस्था है यहाँ। ये वाला है पुरुष के लिए, अंदर में महिला के लिए। अच्छा, कितने यहाँ पे ये होंगे कमरे हो, मतलब ये बेड हो? सर बेड तो 30 है। 30 बेड? हाँ, 15 पुरुष और 15 महिलाओं के। हाँ, हम लोग के यहाँ है मच्छरदानी उछदानी सब कुछ का व्यवस्था है, ये पानी का भी व्यवस्था है, बिजली का भी व्यवस्था है। अच्छा, जो यहाँ यात्री ठहरते हैं तो उनसे क्या क्या दस्तावेज लेते हैं आप? आधार वगैरह मांगते हैं? आधार कार्ड, पता होता है, ये सब, मोबाइल नंबर, बस यही सब साइन करवाते हैं। नाम आपका? राहुल कुमार।